गांव बड़ा या छोटा था, हर हाथ में लोटा था। चिड़ियों की चहक थी, हवाओं में महक थी, शुरुआत सन्नाटे को चीरती थी। ये कहानी उस समय की है जब देश में स्वच्छता अभियान दूर दूर तक नहीं था और लोग लोटा लेके दूर दूर तक जाया करते थे। यहां तक कि दूल्हा भी दुल्हन का बोझ उठाने से पहले खुद हल्का होने खेत में बैठता है। ऐ दूल्हा, जल्दी आ गलो, नहीं तो बराती तुम्हारी लगाई लेकर चले जाए। बहरहाल आइए आपको कहानी के मुख्य किरदारों से मिलवाते हैं। ये हैं लोकेश मिश्रा और लोकी। इनके दो ही शौक हैं, देर रात तक जगना। और खुली वादियों में हगना। इसके अलावा इनकी एक और परेशानी है, अक्सर इनकी साइकिल गांव की इस गली में रुक जाती है। नमस्ते बहनों और भाइयों, संगीत के इस प्रोग्राम में मोहब्बत के मारे लोगों को गानों का तोहफा लिए हम हाजिर हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये फड़कता हुआ गीत। मोहब्बत को हलवा तेरे लाल लाल गलुआ है, मोहब्बत का हलवा तेरे लाल लाल गलुआ है, मोहब्बत का हलवा तेरे लाल लाल गलुआ। प्यार की साइकिल पे पागल जो कलुआ, प्यार की साइकिल जो बरमारी के चाहिए ठरे, प्यार की साइकिल पे पागल है कलुआ, प्यार की साइकिल पे पागल है कलुआ, भी पागल और पागल है। जमोड़ी भेज भाई यार मेहे का। लेकिन यहाँ कसूर सिर्फ लोकी का नहीं है, क्योंकि खिड़की वाली डॉली का दिल भी इनके लिए धड़कता है। और ये है कहानी के तीसरे पात्र, चंद्रमोहन शास्त्री उर्फ चंदे भैया। इनके दो नहीं, कई शौक, चाहे वो मछली पकड़ना हो। या काला का बोला बे, सर इनकी टीवी पे कुछ सामाजिक फिल्में भी चलती हैं। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। नोच लू, पर मेरी आगोश में आ जाओ। छोड़ दे कुत्ते कमीने हरामजादे, बचाओ, छोड़। इस सब के अलावा इनका एक और शौक है, नेतागिरी। सरपंच के चुनाव में हमारे पापा यानी दद्दई है वोट दई हो, समझ गए ना? पर भैया, जा साल तो चुनाव हो गए और आपके बापूजी ही तो सरपंच बने। हम अगले चुनाव की बात कर रहे भोसड़ी के। हो हो हो। अभी ये बात और है,
कि इनकी नेतागिरी को आदमी तो क्या कुत्ता भी पसंद नहीं करता। काय रे बस धूला है टट्टी तो करा दई थी के नहीं? हाँ दद्दे पर बहने हाथ नहीं धोए। गाड़ तो धोई थी? हाँ बात तो धोई थी। कार्य तक का सबकी धोता ही देखा था रहे थे तेरी बहू। आजकल तुम गांव वालों को खूब बंदूक दिखाने लगे। हम नहीं का एक गोली तुम्हारे पिछवाड़े पर। हराम आजकल की औलाद बेज ही खराब। यह है चंदे के बाप और इस गांव के माई बाप दामोदर शास्त्री उर्फ दद्दे। ये बादियों में आजा बालम बादियों में बादियों में आजा बालम बादियों में बादियों में आजा बालम बादियों में बादियों में बादियों में आजा बालम बादियों में यह में प्रशंका का यह में प्रशंका का जितनी सी बढ़ती जाए जितनी सी बढ़ती जाए गेटली में चुर गई जाए गेटली में चुर गई जाए बादियों में बादियों में आजा बालम बादियों में बादियों में आजा बालम बादियों में बादियों में आजा बालम बादियों में अरे दुनिया के है रीत रिवाज दुनिया के है रीत रिवाज छोड़ दे सबको मोह तुम्हारा छोड़ दे सबको मोह तुम्हारा तू है बटन में तेरो काज तू है बटन में तेरो काज एक दिन की बात है। जिहाले मस्ती मगन रंजिश हो या दुनिया की कितनी भी बड़ी रंजिश हो तमाम नफरतों के खिलाफ आपके लिए हम मोहब्बत भरे पैगाम लाते रहेंगे। जी हाँ बहनों और भाइयों। माधुरी वाली दीक्षित लग रही है एकदम। बापू आ गए तो? टट्टी का देर से आए तो ऐलान कछु लाए हैं शहर से। का है? लिप टेस्क। अरे वाह लिपस्टिक मस्त है रे। पैर चल रही हो ना? कहाँ? शहर घूमने। और कहाँ? पगला गए हो का? बापू को पता चल गया तो? तुम्हारे बापू को तो ना हम अपने तबेले पे भैंस दोबे को काम देवे वाले हैं। अरे दादा जो कहा है रे लेटर। हरामखोर। कल एक होए जो और वो ही पढ़ने जो जा में लिखो है समझ गई ना? आज शाम को 6 बजे खेत जाने के बहाने निकलना और वहीं मिलना। तो जो चल रहा है वो ही पढ़ो है हमरे पीछे। वो ही पढ़ो हमरे पीछे तुमको तो ना हम बाद में देख लेंगे पहले उसको तो देख लें। बादियों में आजा बालम बादियों में
जोइए बुरमारी को कहो गो भैया कहो गो हमरे माल पे नजर बाहमरी हैगी हम समझे नहीं भैया कछु कहो गो आज तो तुम कह बेटा हम तो कछु गलती हो गई का गलती नहीं पाप होगा तुमसे अब प्राश्चित करो साले एक ही में मरो की दूसरी भी चलाने पड़े भैया हमें नहीं पता तो कि आप डोली के बीच में कछु चल रहा है वन थ्री भैया जी टू हाँ टू भैया चमक कर दो बहनों और भाइयों आप सुन रहे थे ये तड़कता फड़कता और धमाकेदार गीत जिसे सुनना चाहा था आप सभी ने और जिसे गाया था बुंदेलखंड के रायत किरणलाल भैया निकल जाओ अब्बाई के अब्बाई आपकी जय भलाई जय मैं कि आप पिता से अब्बाई के अब्बाई निकल जाओ आप एक ठहुए मारो तो एक हम भी मारते बैंस की पूंछ इन धमाकेदार गीतों को सुनकर भैया जी चलिए नहीं तो बहुत जज्जे उतना ही मजा हमें भी आ रहा है और अब जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे और ऐसा लगेगा मानो सारी कायनात आपके पास झूम रही है गाइए आइए ये हाजिर है धमाकेदार गाना जो कहा होगा हमसे चंदे भैया ने छोड़ा है हमें जान से मार दे हमें जी हाँ बहन और भाइयों जैसे आपके जीवन में उथल पुथल मची है उसी तरह हमारे गानों के पायदानों में भी उठा पटक चल रही है कल जो भी चीजें पायदान में था आज वो गाना पांचवे पायदान का गाना चौथे पर चौथे का तीसरे पर तीसरे का दूसरे पर और इसी तरह दूसरे पायदान के
मार ली और पायदान की कुर्सी पर जा बैठा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे अग्नि, हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे भैया। कल तो बड़े तमंचा दिखा रहे, गलती हो गई भैया, अब आप जो बोला वो ही खा रहे। संजीदा से है हालात, घर में आई है बारात। कड़ी खाई थी बाराती, सब नाक मूंद रहे। दूल्हा को लग गई हगास। जातो सीढ़ गई। सीढ़ गई भैया, भैया हो जा बिंदास, घर में बनवा संडास। 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 पूरी गलियां कर दई नाश, घर में बनवा संडास। भैया हो जा बिंदास, घर में बनवा संडास। हाँ बहन और भाइयों, मजा आया ना? तो अब आपको कैसा लग रहा है? माफ कर दो। 1, 3 भैया जी, 2 हाँ, 2, 3 भैया जी चार बार माफ कर दो। तुम बोले तो हम गांव छोड़ के चले जाएं। अब तुम जो गांव नहीं पृथ्वी छोड़ के जाओ साले। भैया गोली मारने है तो मार लेने, पर हमें हगलिंदो बड़े जोर से आई है। अब तुम स्वर्ग में हगना। काश आज मेरे घर में शौचालय होता तो मैं ऐसे ना मरता। और उस दिन लोकेश को पता चल गया था कि खुले में हगने के क्या नुकसान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। के पीती के जो धूम मचा दे और भारी एड़ाए, चलत गेल में गारी देवे कईयन के जूता खाए। बुधौ को करुआ रे पी पी के हो गौ दरुआ। बुधौ को करुआ रे पी पी के हो गौ दरुआ। बुधौ को करुआ रे पी पी के हो गौ दरुआ। बुधौ को करुआ रे पी पी के हो गौ दरुआ। सोवे फसाए रात फसाए, सोवे फसाए रात फसाए, सोवे फसाए रात फसाए, सोवे रात बेनालात खाए। भैया रात बेनालात खाए, भैया रात बेनालात खाए। बुधौ को बुधौ को
हरामी। चंदे, ओ चंदे, और सवेरो होगा, टट्टी नहीं जाने का? क्यों का? टट्टी? बिस्तर ही पे हगलाओ हराम को? कहाँ होगा बुढ़ापे में सटे आ गए का लात दे रहा सुबेरे सुबेर? दो लात और देंगे हमने तुम में अब। का अंडे संडे खाक है आजात है? बट जल्दी। लोटा लेके ना दसा को बाहर है। बिस्तर खराब कर दो नाला यार। पेंट तो एकदम साफ। उन्हें हक दो जो। बादल गरज रहे हैं, पानी गिरने लगा था। फिर से गु साला कौन हक के जा रहा है जो एक बार पता चल जा साला जहां से आकर बताई गोली मार भाई। अरे चंदे की अम्मा जो कैसो हगड़ा मोड़ा पैदा करो है अच्छो भाव जो दिन देखवे से पहले तुम भगवान को प्यारी हो गई पता है जबकि हगवे वाली बात पूरे गांव में लीक हो गई है। सारो गांव हम पे थू थू कर रहो है और तुम दांत निपोर रही हैं? फिर चंदे अपने लेफ्ट हैंड यानी सत्तू को बुलाता है। भैया जी बुलाओ तो। आ गए? हाँ आ गए। जड़ लाई? हाँ थोड़ी सी जड़ लाई। इतने पे कोई हग रहा है रात को? ठीक है कौन हग रहा है? वो ही देखने हैं तुम्हें प्यारा देने। ठीक है देखने तो रात कौन हग रहा है। ठीक है जालू बंदूक और तुम सोए तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ भैया जी हम समझ गए। सो जाओ आप, सो जाओ आप भैया जी, सो जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। हरामखोर कौन हग्गा जो हरामी yeah
दे, एक और मौका दे दो। अब अच्छे से पहरा दे हैं। दद्दे, दद्दे, छोड़ दे रे चंदे। मैच काफी तनावपूर्ण स्थिति में गेंदबाज रनअप के लिए आगे बढ़ते हुए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। बल्लेबाज को सेंचुरी में 3 रनों की जरूरत। गेंदबाज गेंद पर पसीना रगड़ते हुए देखना ये होगा कि बल्लेबाज सेंचुरी पूरी कर पाने में कामयाब होते या नहीं। फील्डिंग काफी टाइट, सारे फील्डर गेंद लपकने को तैयार। इधर गेंदबाज ने गेंद फेंकी, टप्पा पाते हुए गेंद बल्लेबाज की तरफ। बल्लेबाज ने बैट हवा में घुमाया और ये कैच, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। बकरी केला खा गई। बढ़िया कैच, दर्शकों में खुशी की लहर, बहुत ही उमदा पारी। गुलजारी लाल भला आदमी था तो जाहिर है लोकेश के मरने पे खुश तो नहीं था। फिर इसके दिमाग में एक खुराफात भी चल रही थी। दद्दे, दद्दे, जी लो, जो का हर समस्या का हल बाबा झींगामल। बस बाबा, अब आप ही बताओ जो समस्या को का हल है। आओ बाबा, देखो का समस्या है जो घर में। आत्मा का निवास है इस घर में। कह रहे बाबा? हाँ। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। हाँ बाबा, आओ। समस्या नजर आ रही है, वो आत्मा कहीं और नहीं, इस बालक के अंदर है। का कह रहे बाबा? ठहर जा। अदरक नींबू प्याज करेला, मैंने अच्छे अच्छे भूतों को पेला। निकल, वो आत्मा है किधर, आज तेरी मौत है इधर। कितना भी बड़ा होगा भूत, मेरे सामने देगा मूत। निकल शरीर से, निकल भोसड़ी के। तेरी मार। ऊपर वाला जाने गुलजारी लाल की ये खुराफात असली थी भी या नहीं, पर उस दिन गुलजारी लाल ये समझ गया था कि गोली कहीं भी लग सकती है। फाइनली चंदे रात को खुद जागने का फैसला कर लेता है और बंदूक में गोलियां भर लेता है। इस बड़ी सी लंबी रात में चंदे पौ फटने का इंतजार कर रहा है। लेकिन पौ फटने के पहले ही
और जब सुबह हुई चिकलू के मोड़ा गुलाव जो कौन का लेख गाओ है वही पढ़ है जो सबरे अंगूठा छाप है गुरमारी गांव के सभी घरों में शौचालय बनवाओ तो तुझे मुक्त करूंगा लोकेश। काय चंदे भैया वही लोकेश की आत्मा है मुक्ति के लाने तो जो ही काम करने पड़े भैया अंडास बनवाना पड़े काय दद्दे अब बनवा हो ना गांव में घर घर शौचालय हम बनवा शौचालय में मरने नहीं लोकी को मार तो मैं उनकी आत्मा तेरे को परेशान करती नालायक कहीं क्या फिर गांव में एक टॉयलेट मेकर यानी मिस्त्री की एंट्री होती है और चुन्नी दादा की स्पेशल रिक्वेस्ट पे सबसे पहले उनके घर ही शौचालय बनके तैयार है चादा तो ये चुमाई फिरे वो तो घर चाय निकल आओ अब बासी रोटी खा के आए हो ए दादा कट्टी उधर ही नहीं उतरी है बेजा टेम लग रही है हमें सी लगी है यार अकेले काजे नहीं बनाओ और भी लेन लगी है घी बाहर आ जाओ निकल आओ दादा आप भूले नहीं ना दादा तो अरे भैया ले आओ माला ले आओ गाँव को कोई आदमी का वो शौचालय मजा नहीं ले भैया तुम भी चलाओ दादा निकल टॉयलेट में जाने वाले चुन्नी दादा गांव के पहले आदमी थे ये गांव के पहले आदमी अरे आओ दादा और मिला लो दद्दी हाथ तो धोई नहीं कौन तो धोए है और उस दिन के बाद इस गांव का कोई भी आदमी खुले में शौच के लिए नहीं गया एक शौचालय और बनवा
मेरे लिए खुली वादियों में पुरानी पहाड़ी के पीछे बहनों और भाइयों, तो अब हाजिर है ये फड़कता हुआ गाना जो आपके होश उड़ा देगा। भैया भैया हो जा बिंदास घर में बनवा संडास, भैया हो जा बिंदास घर में बनवा संडास, घर में से तो ठाट बताए, घर में से तो ठाट बताए, बाहर पे चट्टी ने बताए, बाहर चट्टी पे ने बताए। बेशरम अब तो रख ले अपनी लाज, घर में बनवा संडास, घर तो रख